हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अवेंगेट मूवी को। यह मूवी सन 2013 में रिलीज़ हुई थी। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक जोई नाम की लड़की को जो कानों से सुन नहीं सकती है, और तभी हम देखते हैं वह अपने दोस्त से कार मांगती है क्योंकि इस बार संडे है और वह हर संडे को हाईवे पर ड्राइव के लिए जाती है। उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, इसलिए वह इस बार भी संडे को हाईवे पर जाने वाली होती है, लेकिन उससे पहले अपनी मॉम से थोड़ी बातें करती है और फिर हाईवे के लिए निकलती है। फिर वह अपने बॉयफ्रेंड के पास कॉल करती है। इसके बॉयफ्रेंड का नाम डैन होता है। डैन एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वह जॉय से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तभी हम देखते हैं जॉय हाईवे पर पहुंच जाती है और उसके बाद वह एक किनारे कार खड़ी कर कुछ फोटोज क्लिक करती है। फिर वह दोबारा कार स्टार्ट कर जब जा रही होती है, तभी उसके सामने एक आदमी को चार लोग मिलकर दौड़ा रहे होते हैं, जिसे बचाने के लिए वह अपने कार में ला के कोशिश करती है कि वह उसे अपने कार में ले जाकर यहाँ से सुरक्षित कहीं बाहर ले जाए, लेकिन वो चारों गुंडे उसके पास जब तक पहुँच जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वह जॉय को साथ में पकड़ लेते हैं, लेकिन जॉय के पास एक छोटा सा चाकू होता है जिससे वह उनके ऊपर अटैक करती है और फिर उनसे अपने आप को छुड़ाती है। बहुत मुश्किल से छुड़ाने के बाद वो वहाँ से बहुत तेजी से भागती है, लेकिन गुंडे उसका पीछा करते हैं और उसे बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहे थे। तभी उनमें से एक गुंडा अपनी गन निकालता है और वह जॉय के ऊपर शूट करने लगता है, पर जॉय तब भी भागती रहती है क्योंकि उसका निशाना मिस हो रहा होता है। लेकिन तभी उसे एक गोली लग जाती है जिसकी वजह से वह भाग नहीं पाती है और बेहोश हो जाती है। फिर वो लोग उसे पकड़कर अपने घर पर ले जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ उसका जो बॉस होता है उसका नाम वेस्ट होता है और वह उन सभी गुंडों में सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तभी वो लोग उस लड़की को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, जिससे कि वह बहुत ज़्यादा रोती है और उससे बार बार रिक्वेस्ट करती है कि मुझे छोड़ दो, पर वो लोग उसे बांध कर ही रखते हैं। और उसके बाद वो लोग बाहर जाकर पार्टी करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं डैन को। डैन बहुत ज़्यादा चिंता में होता है कि जॉय आखिर कहाँ चली गई, उसके घर आने वाली जॉय अब तक क्यों नहीं मिली। वह बार बार कॉल कर उसने पुलिस में भी कंप्लेन कर दी थी। तभी उन गुंडों में से एक गुंडा अंदर आता है जिसका नाम ट्रे होता है। वह बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और वह उस लड़की को चाकू मार देता है और घरेलू तार से बांध कर वहाँ पर उसे छोड़ देता है। फिर उसे अपनी स्टोरी बताता है कि वो कैसे गुंडा बना और कितने लोगों को उसने मर्डर किया है। उसके बाद वो भी बाहर चला जाता है और फिर रात में हम देखते हैं कि वह लड़की जब होश में आती है तो वह सोचती है कि डैन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा और उसे पता भी चलेगा कि मैं कहाँ पर हूँ या नहीं। और तभी हम देखते हैं कि वह डैन के सपने देखने लगती है। तभी वह जब पूरी तरीके से होश में आ जाती है तो वह फैसला करती है कि वह यहाँ से फौरन अभी भाग कर निकलेगी। तभी वह कटीले तारों को अपने हाथ जबरदस्ती खींचती है, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है, लेकिन उसके बावजूद वह वहाँ से निकलकर भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जब वहाँ से भाग रही होती है तभी उसे ट्रे देख लेता है और वह उसे पकड़कर उसी रेगिस्तान में जिंदा ही दफन कर देता है। सुबह हम देखते हैं एक आदमी जब रेगिस्तान में सुबह टहलने के लिए आता है तभी उसका कुत्ता जॉय को सूंघकर वहाँ पर गड्ढा खोदने लगता है। तभी गड्ढा खोद कर गिरे जॉय को बाहर निकालता है और वह उसे ले जाकर अपने कैंपन पर ले जाता है जहाँ पर उसने कैंप लगाया होता है। वहाँ पर वह उसका इलाज करता है और गिरे के पास काफ़ी ज़्यादा जादुई शक्ति होती है और वह एक तांत्रिक होता है, इस वजह से वह जॉय के बारे में सब कुछ देख लेता है अपनी तंत्र विद्या से। उसके बाद हम देखते हैं वह भगवान से प्रार्थना करता है और उसके ऊपर कुछ जादू टोना करता है जिससे कि मरी हुई जॉय फिर से जिंदा हो जाती है और यह देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन उसके बाद वह आसमान में उड़ने लगती है जिसे देखकर वह भी डर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जॉय को। जॉय की आंखें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं, उसकी आंखें दोनों तरफ की पूरी काली हो जाती हैं। यह देखकर ग्रे भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और ऐसा इसलिए होता है कि ग्रे जब उसे जिंदा कर रहा था तो उसके साथ एक और आत्मा आकर उस जॉय के अंदर समा गई है। अब जॉय के अंदर एक और आत्मा है जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है। तभी वह एक फ़ोन बूथ पर जाकर अपने बॉयफ्रेंड डैन को कॉल करती है। डैन कॉल उठाता है पर उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता क्योंकि वह सुन नहीं सकती थी, पर वो बोल सकती थी, इसलिए वह उससे मदद मांगती है और उसके बाद फ़ोन को रख कर एक कैफे के अंदर चली जाती है जहाँ पर वह देखती है जेट को। जेट उन्हीं लोगों में से एक होता है जिसे देखकर वह लड़की की दूसरी आत्मा प्रकट होती है और वह एक भूत बनकर उसे काफ़ी बुरी तरीके से मार देती है। वह उसके बॉडी के एक एक अंग को खींचकर बाहर निकालती है और फिर उसके गर्दन में ही लपेट देती है जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है। यह सब बहुत ज़्यादा भयानक होता है जैसे एक सीरियल किलर करता है। फिर हम देखते हैं डैन को। डैन लोकेशन का पता लगाकर उस फोन बूथ पर आकर पूछताछ करने लगता है, पर हम देखते हैं कि वहाँ पर सारिफ और सारिफ के कई आदमी होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक खतरनाक मर्डर हुआ होता है, इसलिए सारिफ वहाँ पर नाकाबंदी कर देते हैं। तभी डैन साहिब से पूछता है क्या आपने यहाँ पर किसी लड़की को देखा है, और सारी उसे यह हालत बताते हैं। फिर वह उन्हों गुंडों से जॉय के बारे में पूछता है जिन्होंने जॉय का मर्डर किया होता है, जिससे कि उन डैन और उन गुंडों के बीच लड़ाई हो जाती है और सारिफ आकर डैन को अपने साथ गाड़ी में बैठा कर वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन हम देखते हैं जॉय को। जॉय अभी सोकर उठी होती है और वह एक ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर बहुत सारे हथियार रखे होते हैं, जहाँ से वह कई हथियार उठाती है और तीर धनुष को खासकर उठाकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं उन गुंडों को
जो जॉय की डेड बॉडी देखने आए होते हैं, पर वहाँ पर जॉय की डेड बॉडी न देखकर वह समझ जाते हैं कि वह अभी भी जिंदा है और उनकी जान उनके दोस्त को उसी ने मारा है और उनकी जान बहुत ज़्यादा अभी खतरे में पड़ी हुई है। तभी उनमें से वेस्ट कहता है कि हम गुंडे हैं और हम एक लड़के से नहीं डर सकते, हम उसे ढूंढ कर आसानी से खत्म कर देंगे। तभी उनका एक और साथी क्रीड अकेले घर पर रह जाता है और वह कार में बैठकर उनके पास आने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले वह लड़की वहाँ पर पहुँच जाती है और वह तीर से क्रीड को मार देती है। उसके बाद वह क्रीड का फ़ोन उठाती है और फ़ोन पर उससे बोलती है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम मेरा सामना करो, यह वो वेस्ट से बोलती है। फिर हम देखते हैं कि वह वेस्ट का पीछा करते हुए जंगल में अकेले टहल रही होती है, लेकिन तभी उसके अपने बॉडी का ख्याल आता है और वह जब अपने हाथों की पट्टियाँ हटाकर देखती है तो देखती है कि उसकी बॉडी धीमे धीमे गल रही है। इस वजह से वह बहुत ज़्यादा चिंता में होती है और वह जाकर उसी आदमी के पास बैठती है जिसने उसने ठीक किया था। तभी ग्रह उसे बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे हैं, इन 5 दिनों में तुम्हें अपने जो भी काम करने हैं तुम उन्हें खत्म कर दो। तभी वह लड़की फैसला करती है कि जिन्होंने मेरा यह हाल किया है मैं उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और यह उसका अंतिम फैसला होता है। फिर हम देखते हैं सारिब को। सारिब दूसरे दिन उसी जगह पर जाता है जहां पर जोय सोकर उठी थी। दरअसल जोय ने जिसने हथियार जहां के लिए होते हैं वह हथियारों का कंप्लेन एक आदमी उसके पास करता है और इसलिए सारिब वहां पर जांच करने के लिए गया होता है, लेकिन वह देखता है कि वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ धनुष और तीर नहीं होता है और उसे जो अभी भी एक मर्डर की खबर मिली होती है वह तीर कमान से ही मरा होता है, जिससे कि सारिब समझ जाता है जिसने धनुष चुराया है उसी ने उस मर्डर को किया है। लेकिन वेस्ट भाइयों के जब एक और साथी मारा जाता है तो वो लोग डायन को किडनैप करने की सोचते हैं, क्योंकि वह अगर डायन को किडनैप कर लेंगे तो उसे बचाने के लिए वह लड़की जरूर आएगी और जब वह लड़की आएगी तो वह उसे मार देंगे। यही सोचकर वो लोग डायन को किडनैप करते हैं, लेकिन रास्ते में जब वो लोग गाड़ी से डायन को लेकर जा रहे होते हैं तभी वह लड़की उनके सामने जॉय आ जाती है और फिर वेस्ट भाइयों और जॉय के बीच काफी भयानक फाइट होती है। जॉय उनमें से कई भाइयों को तीर मारती है पर उनका एक भी भाई मारा नहीं जाता है। तभी उसका एक भाई अचानक से ब्रेक मारता है जिसके चलते जॉय उनके कार के आगे आ जाती है और फिर वह उसके ऊपर कार चढ़ा कर निकल जाता है। फिर उसे लगता है कि जॉय मर गई होगी, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो जॉय फिर से चलकर खड़ी हो रही थी और यह देखकर वह समझ जाता है कि इसके पास कोई शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से यह मर नहीं रही है और इस वजह से वह लोग डर के वहां से भाग जाते हैं। फिर जॉय उसी जगह पर जाती है जहां पर उसे शक्तियां मिली थी। वह वहां पर जाकर एक अग्निकुंड के आगे बैठकर कुछ मंत्र पढ़ती है और अपने हाथों पैरों को पट्टियों से बांधकर जोड़ रही होती है क्योंकि उसके हाथ पैर सारे टूट जाते हैं। तभी उसके मुंह से एक शैतान निकलता है और यह सब ग्रेग छुपकर देख रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं उसके हाथ पैर फिर से ठीक होने लगते हैं और उसके पास और ज़्यादा ताकत आती है। तभी वह शैतान उसे कई हथियार देता है और जमीन से जैसे ही वह हाथ डालती है तो उसमें से एक खंजर निकलता है और एक तलवार बहुत ही बड़ी निकलती है। फिर उसके बाद वह शैतान उसके अंदर घुस जाता है और वह लड़की जोर से आसमान को देखकर चिल्लाती है। फिर हम देखते हैं सारिब को। सारिब उन भाइयों से पूछताछ करने के लिए उनके पास जाता है और उनसे पूछताछ करने लगता है। तभी उसका छोटा भाई बताता है कि हाँ, वेस्ट भाइयों ने उस लड़की के साथ बहुत टॉर्चर किया है और उसे जिंदा ही गाड़ दिया था। यह सुनकर सारिब उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए निकल पड़ता है और इधर हम देखते हैं कि वह लड़की उनके ऊपर अटैक करने के लिए फुल तैयार में होती है और उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिससे कि वो लोग बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं और अपने हथियार को उठाकर अपने घर में बिल्कुल तैयार होते हैं और डायन को उन्होंने अपने ही घर में बांध रखा था। इतनी देर में वो लड़की घर के अंदर आती है और वह एक एक कर उन लोगों को मारने लगती है। तभी हम देखते हैं उनमें से वेस्ट भाइयों का एक का दिल निकाल कर वह अपने हाथ में रखती है और उसे खा लेती है। यह देखकर बाकी के वेस्ट भाई बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उसे फाइट न करने के बजाय कार लेकर वहाँ से भागने की सोचते हैं, पर जॉय उनमें से किसी को नहीं छोड़ती, बस एक आदमी बनकर भाग जाता है और वह सीधा जाकर ग्रेग के पास रुकता है। तभी हम देखते हैं डायन के पीछे आकर जॉय खड़ी रहती है और डायन को शक्ल नहीं दिखाती क्योंकि जॉय की शक्ल बहुत ज़्यादा भयानक होती है और वह रोती हुई वहां से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं वह कार लेकर आदमी सीधा ग्रेग के पास जाता है और ग्रेग से कहता है कि तुम्हारे ज़्यादा जादू यहाँ पर किसी को नहीं आता है, अगर उस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो वह सिर्फ तुमने ही किया होगा। और तभी ग्रेग से वह पूछता है कि इस लड़के को ऐसे रोका जाए। ग्रेग उसे बताता है कि इसे रोकना बहुत ज़्यादा सरल है, तुमने बहुत पहले जिन्हें 5 लोगों को मारकर उनकी खोपड़ियों को निकालकर अपने घर में रखा हुआ है उन खोपड़ियों को लाकर तुम्हें इसी जगह पर दफन कर उनकी आत्मा को शांति देना होगा जिससे तुम्हारी जान बच जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉय उसके घर पर जाती है और उसके माँ बाप को भी सबको मार देती है। जितने भी वेस्ट भाइयों के घर पर लोग होते हैं उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ती है। तभी उनमें से जो वेस्ट भाई होता है वह उन सभी खोपड़ियों को लाकर जमीन में गाड़कर उसे जलाने वाला होता है, लेकिन उसकी एक खोपड़ी घर पर ही छूट जाती है जिसकी वजह से वह आत्मा उसके कब्जे में नहीं आती है। फिर हम देखते हैं कि लास्ट में वेस्ट भाई और जॉय के बीच एक घमासान फाइट होती है जिसमें जॉय फाइट में जीत रही होती है। तभी वेस्ट को एक बहुत ही बड़ी आरी मिल जाती है और वह आरी को स्टार्ट कर जॉय के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन तभी जॉय उसका हाथ काट देती है और उसका सर काटने वाली होती है, लेकिन वह आरी जॉय के अंदर घुसा देता है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को मारकर वहीं पर मर जाते हैं। लेकिन उस आत्मा की वजह से जॉय की जान अभी भी नहीं जा रही थी।
इसीलिए वह खुद गड्ढे में लेट जाती है और अपने ऊपर माटी को डालने लगती है जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिले, पर तब भी यह काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर वहाँ पर डायन आता है और उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसे मजबूरन जलाना पड़ता है, और जैसे ही वह आग लगाता है तो वह देखता है आसमान में दो आत्माएं निकल कर जा रही हैं। एक तो जॉय की होती है और एक दूसरी शैतानी आत्मा होती है जिसने अपने बदला लेने के लिए इन भाइयों को मारने के लिए जॉय के शरीर को चुना था। और फिर लास्ट में हम देखते हैं डैन अफसोस करते हुए पहाड़ियों में बैठा होता है, तभी उसके पीछे ग्राय आता है और कहता है हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो